नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द लेजी रीडर पॉडकास्ट और हम चर्चा कर रहे हैं पंकज किशोर जी के द्वारा लिखी गई किताब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इस 12वें अध्याय में हम लोग डिस्कस करेंगे स्वतंत्रता और नया संविधान। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, पर भारत का विभाजन दो देशों में हो गया, भारत और पाकिस्तान। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमेशा डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान उनके ज्ञान व साहस के लिए किया करते थे। उनको विश्वास था कि डॉक्टर अम्बेडकर को देश के कानून का गहरा और ठोस ज्ञान था। डॉक्टर अम्बेडकर को कैबिनेट में कानून मंत्री का पद दिया गया। यह डॉक्टर अम्बेडकर के लिए आश्चर्य की बात थी। उन्होंने प्रसन्नता से यह पद स्वीकार कर लिया। 29 अगस्त 1947 को एक कमेटी का गठन किया गया जो नए भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करेगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। डॉक्टर अम्बेडकर को इस कमेटी की अध्यक्षता करने के लिए नेहरू जी ने कहा। उनका इस कार्य में अन्य सदस्यों ने भी सहयोग दिया। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक यह चुनौती स्वीकार की। डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रारूप पर काम करना आरंभ किया तो उन्हें लगा कि कमेटी के कुछ सदस्य उनको कमेटी के सदस्य बनाए जाने से उत्साहित नहीं थे। उन्होंने उन्हें अनदेखा किया और इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरी जिम्मेदारी से करना आरंभ किया। 6 महीने के भीतर उन्होंने असेंबली अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समक्ष इस संविधान के प्रारूप को प्रस्तुत किया। इस संविधान में 315 अनुच्छेद और 8 परिशिष्ट थे। जब डॉक्टर अम्बेडकर इस संविधान पर काम कर रहे थे तो उनका स्वास्थ्य तेजी से गिरता जा रहा था। उन्हें लगातार चिकित्सा की आवश्यकता पड़ रही थी। इस दौरान वे बम्बई के मावलंकर अस्पताल की डॉक्टर शारदा कबीर के संपर्क में आए और उनसे निकटता महसूस की तथा विवाह करने का निश्चय किया। 15 अप्रैल 1948 को उन्होंने दूसरी बार विवाह किया। अब उनके घर में ही उन्हें एक डॉक्टर मिल गई जो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने लगी। हर व्यक्ति डॉक्टर अम्बेडकर के इस सर्वश्रेष्ठ कार्य से प्रभावित था जो उन्होंने संविधान का प्रारूप बनाकर कर दिखाया। टी.टी. कृष्णमाचारी ने असेंबली में दिए अपने भाषण में उनकी निष्ठा की प्रशंसा करते हुए कहा, जिन 7 सदस्यों को संविधान बनाने के लिए चुना गया था उनमें से एक ने इस्तीफा दे दिया, एक का निधन हो गया और एक अमेरिका चला गया, एक अपने अन्य कार्य में अधिक व्यस्त रहा, एक दो दिल्ली से दूर रहते थे, कुछ को खराब सेहत की वजह से छोड़ना पड़ा। सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें इस कार्य को संभालना पड़ा। अपने ऐतिहासिक भाषण में संविधान प्रस्तुत करते समय उन्होंने कहा, जो संविधान में प्रस्तुत कर रहा हूँ वह अच्छा या बुरा हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग ऑफिस के लोग किस तरह करते हैं। भारत ने अपनी आज़ादी हम में एकता नहीं होने की वजह से खो दी थी। जो शासन में था उसने विश्वासघात किया। डॉक्टर अम्बेडकर ने लंबे समय से यह स्वप्न देखा था कि हिंदू धर्म में सुधार लाए जाएं। उन्होंने एक विशेष बिल पर कार्य किया जिसे हिंदू कोड बिल के नाम से प्रस्तुत किया। सभी कट्टर हिंदुओं ने इसका विरोध किया। जिन लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान बनाने के कार्य की प्रशंसा की थी वे भी उनका विरोध करने लगे। यहाँ तक कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी उनका समर्थन करने को तैयार नहीं थे, पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरोजिनी नायडू चाहते थे कि यह बिल कानून बन जाए, पर जोरदार विरोध की वजह से उन्होंने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए और बिल धरा रह गया। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमने स्वतंत्रता और नए संविधान के बारे में पढ़ा। अब अगले अध्याय में हम लोग बौद्ध धर्म में परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।